अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल जगत का एक ऐसा मंच जहां एक बार किस्मत चमकने के बाद खिलाड़ियों को स्टार, सुपरस्टार और भगवान तक के दर्जे दे दिए जाते हैं। वास्तव में क्रिकेट खेल आज अपनी सफलता के उस मुकाम पर एस्टेब्लिश है जहां क्रिकेट खेल दौलत, शोहरत और कामयाबी का मुख्य पर्याय बन चुका है। फिर बात चाहे खिलाड़ियों की हो, अंपायर्स की हो या फिर कमेंटेटर्स की, क्रिकेट खेल से नाम जोड़ने के बाद सभी की संपत्ति और शोहरत में जमकर इजाफा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में जहां हम टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके समक्ष टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग क्रिकेट कोचेस की जानकारियां साझा करेंगे। टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग क्रिकेट कोचेस की हमारी फहरिस्त में पांचवा नाम शुमार होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच मिसबाहुल हक का। दोस्तों साल 2019 में मिसबाहुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तत्कालीन हेड कोच मिकी आर्थर को रिप्लेस करते हुए पाक टीम के हेड कोच बनने की जिम्मेदारी संभाली थी, जिसके बाद वे लगातार 2021 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बतौर हेड कोच जुड़े रहे। हालांकि मिसबाह ने बीते 6 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हेड कोच रहते हुए मिसबाह अच्छी खासी सैलरी कोचिंग ड्यूटीज से अपने नाम करते थे। आपको बता दें, पाकिस्तानी न्यूज चैनल जीईओ टीवी के अनुसार मिसबाहुल हक अपनी कोचिंग फैसिलिटीज के जरिए मंथली सैलरी करीब 15 लाख रुपए अपने नाम करते थे। वहीं मिसबाहुल हक की सालाना कमाई बतौर कोच लगभग 1.80 करोड़ रुपए के आसपास रहा करती थी। टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग क्रिकेट कोचेस की हमारी फहरिस्त में अब चौथा नाम जुड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और वर्तमान में श्रीलंका के हेड कोच मिकी आर्थर का। दोस्तों साल 2019 में पाकिस्तान के बाद श्रीलंका टीम से बतौर मुख्य कोच जुड़ने वाले मिकी आर्थर का नाम विश्व के सबसे सफलतम क्रिकेट कोचेस में शुमार होता है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम से एसोसिएट होने के बाद कोच मिकी आर्थर अपने कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सालाना कमाई लगभग 4,60,000 US डॉलर्स अपने नाम करते हैं, जिसको यदि हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो यह लगभग 3.45 करोड़ रुपए के आसपास होता है। अब आगे बढ़ते हुए हमारी इस कड़ी में तीसरा नाम जुड़ता है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और वर्तमान में इंग्लिश टीम के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड का। क्रिस सिल्वरवुड इंग्लैंड क्रिकेट टीम से बतौर बॉलिंग कोच साल 2018 में एसोसिएट हुए थे और साल 2019 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तत्कालीन कोच ट्रेवर वेलिस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सिल्वरवुड का प्रमोशन इंग्लिश क्रिकेट टीम के बतौर हेड कोच के रूप में दिया गया। अब अगर सीधे तौर पर बात करें इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच क्रिस सिल्वरवुड के सैलरी के बारे में, तो सिल्वरवुड अपनी कोचिंग सेवाओं के बदले में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से करीब 6 लाख US डॉलर्स की सैलरी अपने नाम करते हैं। यदि इस आंकड़े को हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो यह लगभग 4.50 करोड़ के आसपास होता है। तो दोस्तों ये थी इंग्लिश कोच क्रिस सिल्वरवुड की अपनी कोचिंग कला से अर्निंग। और अब टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग क्रिकेट कोचेस की हमारी फहरिस्त में दूसरा नाम जुड़ता है जाने माने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर और वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर का। साल 2018 में सैंड पेपर गेट कांड के बाद जस्टिन लैंगर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कोचिंग कमान थामी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े सेटबैक के बाद जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बहुत हद तक संभालने में कामयाब रहे। उनके अंडर में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची और जस्टिन लैंगर की कोचिंग कला और अनुभव की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम साल 2019 में एशेज ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब रही। बात करें अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जस्टिन लैंगर को दी जाने वाली सैलरी के बारे में, तो लैंगर सालाना करीब 4.67 करोड़ रुपए की सैलरी अपनी कोचिंग सेवाओं के बदले में अपने नाम करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग क्रिकेट कोचेस की सूची में अंतिम नाम जुड़ता है पूर्व दिग्गज भारतीय ऑलराउंडर और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री का। साल 2017 में अनिल कुंबले द्वारा कोच पद से इस्तीफा देने के बाद रवि शास्त्री का चयन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बतौर मुख्य कोच के रूप में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनने से पहले रवि शास्त्री 2014 से 2016 तक टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके थे। साल 2019 में रवि शास्त्री के कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्हें एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, जिसके बाद से वे अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हुए हैं। बात करें रवि शास्त्री की क्रिकेट कोचिंग से होने वाली कमाई की, तो बीसीसीआई रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच होने के बदले में सालाना करीब 9.5 से 10 करोड़ रुपए की सैलरी पे करती है और इसी सैलरी के साथ ही रवि शास्त्री विश्व के सबसे महंगे क्रिकेट कोचेस की फहरिस्त में अपना नाम पहले नंबर पर शुमार करते हैं। तो दोस्तों ये थी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संबंधित क्रिकेट कोचेस की सैलरी की जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।